वेलकम गाइस, डीजी शोम के और एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं रेडमी नोट 9 का। देखिए, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। ये एक बजट सीरीज का फ़ोन बोल सकते हैं, ठीक है। और कितना प्राइस में मैं ख़रीदा इसको, डिस्काउंट में, ऑफ़र वगैरह में, मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊँगा आपको। और ये फ़ोन ये दो दिन से ही यूज़ हो रहा है, बहुत ही अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस। तो चलिए देखते हैं बॉक्स पैकेजिंग क्या है। तो देखिए, बॉक्स पैकेज में ये एक छोटा सा इन्वेलप मिलता है, यहाँ पे एक सिम इजेक्टर टूल है, यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और यहाँ पे एक आपका कवर, एक ट्रांसपेरेंट कवर दिया हुआ है जो जिसका क्वालिटी ठीक ठाक है, बेसिक है। ये इसका एक बेनिफिट है, मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये स्नगली फिट होता है फ़ोन के साथ और अच्छा है। यहाँ पे देखिए, चार्जिंग के लिए एक कवर भी दिया हुआ है। देखिए गाइस, ये जो कवर है, इसका जो प्लस पॉइंट मैं बोल रहा था, अगर आप इसको फिट करेंगे, देखिए ये पूरा एकदम ऊपर तक आता है, ठीक है। तो अगर आपके हाथ से फ़ोन गिर भी जाता है तो ये ऐसे भी पीछे से गिरेगा तो ऑलमोस्ट ये तो पूरा कवर ही है। अगर ये सामने से भी गिरता है तो ये थोड़ा सा जो कवर है, ये आपका जो कॉर्नर्स है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। कॉर्नर्स प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही बढ़िया है। वैसे भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है 5 का, लेकिन फिर भी फॉर मोर प्रोटेक्शन ये बहुत सही चीज़ है। एक ठो USB टाइप सी A2C एक पोर्ट USB केबल जिसका क्वालिटी ठीक ठाक है, वाइट कलर में ये दिया हुआ है। और एक है 22.5 वाट वाला एक चार्जर। देखिए, ये 22.5 वाट चार्जर है, लेकिन फ़ोन अप टू 18 वाट सपोर्ट करता है। और फ़ोन में और बॉक्स में कुछ नहीं है, देखिए बॉक्स खाली है। अभी बात करते हैं मेन जो फ़ोन है उसके बारे में। और हाँ, मैंने तो भूल ही गया, और एक जो है बॉक्स के पीछे जो स्पेसिफिकेशन हाईलाइट्स है, यहाँ पे 5000mAh का बैटरी आपको मिल रहा है, अप टू 9 वाट ये रिवर्स चार्जिंग है। बॉक्स में आपको चार्जर मिलता है, डॉट डिस्प्ले फुल HD प्लस, ये एक प्लस पॉइंट है। कैमरा 48822, ठीक है। और स्प्लैश प्रूफ नैनो कोटिंग दिया हुआ है, डुअल वोल्टी विद वो वाईफाई, मतलब वॉइस ओवर वाईफाई का सपोर्ट मिलता है आपको। 48 MP क्वाड कैमरा फॉर फ्रंट में, इसको आपको मिल जाएगा 13 MP का डिस्प्ले, जो पंच होल बोलते हैं हम लोग, हाई परफॉर्मेंस जीलियो G85, ये प्रोसेसर इसका मीडियाटेक का, ठीक है। इसमें ये स्नैपड्रैगन का नहीं है, और ये 4GB 64GB एक्वा ग्रीन वाला वर्जन है, मेड इन इंडिया लिखा गया है यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइसिंग देखिए, यहाँ पे प्राइसिंग आपको दिख रहा होगा 14,999 ये प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है, बट इतना है नहीं, ठीक है। ये बॉक्स पे लिखा हुआ है, मगर ये एक्चुअल कितना प्राइस है मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, इसका 10999 अभी इसका प्राइस है, MRP मतलब सेलिंग प्राइस है फ्लिपकार्ट पे। और इसका जो बाइंग प्राइस है, मतलब मेरा एक एक्सचेंज था वैल्यू प्रीवियस फ़ोन का, रियलमी का C2, तो उसको एक्सचेंज करके और कुछ बैंक डिस्काउंट वगैरह पकड़ के मेरा इस फ़ोन का भी प्राइस निकला है 5,932 या 38 रुपीज़ ऐसा कुछ, ठीक है। तो इस प्राइस पॉइंट में मुझे लगता है इस फ़ोन में, मतलब अगर आप एक्सचेंज नहीं भी करते हो, आपको बैंक डिस्काउंट 1000 रुपीज़ का मिल जाएगा, मतलब 9000 के आसपास ये आपको पड़ेगा ये फ़ोन। और इसका जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है इस प्राइस रेंज में, मतलब ये बजट फ़ोन आप बोल सकते हैं, लेकिन ये मिड रेंजर की तरह आपका परफॉर्मेंस ये देगा। ये जो आपको देख रहे हैं, ये LCD पैनल है, IPS LCD, मगर इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। और ये पंच होल डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है आपको फ्रंट में, जो एक काफ़ी नया डिज़ाइन है, एक अच्छा प्रीमियम लुक ऐड करता है। और यहाँ पे नीचे में देखिए, फिजिकल ओवरव्यू का अगर बात करें तो ये 3.5mm जैक आपको मिल जाएगा नीचे, एक एक्सटर्नल माइक, मेन माइक है ये, और USB टाइप सी स्पीकर। और इस साइड में आपको मिल जाएगा वॉल्यूम रॉकर, पावर बटन, ये साइड में आपको सिम इजेक्टर टूल, और ये सिम इजेक्टर 2+1 है, मतलब 2 SIM नैनो सिम और एक माइक्रो SD सपोर्ट है। और ऊपर में आपको मिल जाएगा IR ब्लास्टर और सेकेंडरी आपका माइक। तो ये है फुल पैकेज, और पीछे में आपको मिल जाएगा ये इस साइड में जो जाता है, जैसे नॉर्मली अभी
इस प्राइस रेंज में आपको सभी फ़ोन में मिल जाएगा इस साइड में कैमरा, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, उससे अच्छा तो यही वाला दिखने में है, तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। और ये है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, इसका फिंगरप्रिंट सेंसर एकदम बॉडी के साथ लगा हुआ है, जैसे दूसरा मैं फ़ोन के अगर बात करूँ तो वो थोड़ा मतलब ये कटआउट जो है वो एकदम ही मिनिमलिस्टिक है, ठीक है, आपको फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, मतलब बहुत ही देखिए एकदम ही जो है ये प्लास्टिक का है, ये ग्लास नहीं है, लेकिन दिखने में प्रीमियम है, अच्छा लगता है। ये फ्लैश है, फ्रंट में आपको कोई फ्लैश नहीं मिलता है, फ्रंट में आपको जो डिस्प्ले के फ्लैश के साथ ही आपको काम चलाना पड़ेगा। और जो फ़ोन का ओवरऑल परफॉर्मेंस है हेलियो G85 का बहुत ही अच्छा है, मैं बोलूँगा कि जो लोग गेमिंग करते हैं वो लोग शायद ना ले, क्योंकि इसका एंटूटू स्कोर जाता है अराउंड 2 लाख के आसपास, और इसी प्राइस पॉइंट के अंदर अगर आपको और 1000 रुपीज़ आप देते हैं तो आपको हेलियो G95 जैसा परफॉर्म। मैंने इस फ़ोन को क्यों लिया है स्पेशली मैं ये शेयर करना चाहूँगा, मेरा बजट जो था मतलब मैक्सिमम मिड रेंजर का जो बजट रहता है वो मैक्सिमम 10,000 के अराउंड रहता है, ठीक है, तो 10,000 के लिए फुल HD डिस्प्ले, ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है, मैक्सिमम डिस्प्ले ही HD प्लस में आता है 10 to 11,000, इवन 12,000 में ही मैं भी मैंने देखा है कि वही HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, IPS दे रहा है लेकिन वही HD प्लस है, लेकिन मुझे फुल HD प्लस लेना था। उसके साथ इसका प्लस पॉइंट एक था ये जो डिस्प्ले का पंच होल, ये जो है पंच होल कैमरा, क्योंकि ये थोड़ा अभी मॉडर्न लुक लेके आता है, ठीक है, मॉडर्न लुक के साथ ये दिखने में भी थोड़ा प्रीमियम आता है, ये मिडिल वाला जो था वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, वो हो गया बहुत दिन पुराना, वो डिज़ाइन हो गया ख़त्म, तो इसीलिए ये दो मेन रीज़न था लेने के लिए। और था इसका कैमरा और ओवरऑल परफॉर्मेंस, कैमरा अगर मैं सैम्पल शेयर करूँ तो इसका 48MP का कैमरा है, ठीक है, 48MP का कैमरा है, और यहाँ पे आपका टन्स ऑफ लोडिंग फीचर आपको मिल जाता है, पोर्ट्रेट मोड, फोटो, इसका अल्ट्रा वाइड है, अल्ट्रा वाइड भी आपको 8MP का मिल जाएगा। ये मेन कैमरा है जो बाय डिफ़ॉल्ट 12MP का फोटो निकलता है जो कि अच्छा निकलता है विद गुड डिटेलिंग, और ये 2x जूम जो वही वाला लेंस को यूज़ करके यूज़ करता है, और मैक्रो के लिए आपको ये ऊपर से ये क्लिक करके आपको मैक्रो के लिए जाना होगा। यहाँ पे मैक्रो में आप क्लिक करेंगे तो आप मैक्रो यूज कर सकते हैं, मतलब एकदम क्लोज ऑब्जेक्ट ऑटो फोकस आप भी मैक्रो में यूज होता है, देखिए, ठीक है, इतना पास है, जब देखिए कितना पास है फिर भी ये ऑटो फोकस मैक्रो का ये काम करता है, ये एक अच्छा फीचर लगा मुझे इस प्राइस रेंज में। और भी इसका प्लस पॉइंट है जैसे कि ओवरऑल डे टू डे परफॉर्मेंस के लिए ये बहुत अच्छा है, कोई आपको परेशानी नहीं होगी, ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए ही मैंने ये फ़ोन चूज़ किया है, बेसिकली ये क्या बोलूँ एक मतलब जैसे डेली यूज़र के लिए है जो इतना गेम कैजुअल गेमिंग करता है और जिसका थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का शौक़ है और डिज़ाइन भी उसको अच्छा लगता है दिखने में, डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, तो ये फ़ोन कभी भी नहीं देखेगा कि ये 10,000 के अंदर आता है, ये जो भी देखेगा कि बोलेगा कि 10,000 के ऊपर का फ़ोन है ये, ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब प्रीमियमनेस ऐड करता है फ़ोन में जो कि एक चाहिए, आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, तो यही रीज़न था मुझे लेने के लिए ये वाला फ़ोन Redmi Note 9। और Pro Max उसमें नहीं गया मैंने क्योंकि उसका मतलब क्या बजट भी थोड़ा ज़्यादा है और उस जो मेरा रिक्वायरमेंट था ये पूरा फुलफ़िल कर रहा है, मुझे वो चाहिए ही नहीं था, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया। और इसका जो फ्रंट है ये Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन किया हुआ है, मैंने इसमें कुछ लगाया नहीं है, देख सकते हैं आप, इसका एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मैंने कुछ नहीं दिया, जो एक फिल्म आता है मैंने उसको भी रिमूव कर दिया है, तो ये एकदम जो ग्लास है स्क्रीन मतलब फ़ोन का जो ओरिजिनल ग्लास है उसी में से काम चल रहा है। और ये 60Hz का पैनल है, कोई 90Hz 120Hz जैसा नहीं मिलेगा, 90Hz में मिलता है एक दो फ़ोन, सैमसंग का एक आता है, रियलमी का एक आता है, लेकिन वो HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है, ठीक है, तो अब आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको HD प्लस के साथ 90Hz लेना है
या फिर आपको फुल एचडी के साथ 60 हर्ट्ज में जाना है, तो ये आपका अगर पोको फ़ोन का एक कंपैरिजन वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसको बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो एग्जिस्टिंग फ़ोन है, मेरा प्राइमरी डिवाइस है वो, तो उसके साथ वो 2 साल पुराना फ़ोन है, 2018 में लॉन्च हुआ था, अच्छा फ़ोन है वो, तो स्नैपड्रैगन 845 वर्सेस हेलियो G85 कैसा परफॉर्म करेगा मुझे पता नहीं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं ज़रूर उसको बनाना चाहूँगा। तो थैंक यू गाइज, यही था एक ओवरव्यू इस फ़ोन का, ठीक है, और आपको अगर कुछ जानना है इस फ़ोन के बारे में या फिर मुझे कुछ सलाह देनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जो लोग इस प्राइस रेंज में ख़रीदना चाहते हैं फ़ोन उन लोगों को शेयर कीजिए प्लीज़, ये सब बताना चाहिए, मैं ये अनस्क्रिप्टेड है, रॉ वीडियो है, कोई मतलब स्क्रिप्ट नहीं, कोई कंपनी प्रमोशन नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ आती है इसमें लेकिन मैं एज ए यूज़र इसको रिव्यू करके दे रहा हूँ, ठीक है, तो यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।